हाँ हमें पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हार जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे जी, सारे मैदानों में हमने जीत के दिखाना है इंशाल्लाह। और अभी तो वही वाली बात है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, बस अल्लाह करे कि हम लोग इसी तरह से जीतते रहे। अभी चिंटू ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, चिंटू भी आ गए, हर सैटरडे चिंटू हमारे साथ होते हैं। क्या हाल है चिंटू? मैच देखा था? हाँ, कितना मजा आया बाजी, जब वो माइक हंसी आउट हुआ मेरी हंसी निकल गई। अच्छा, मैं तो बड़ा हंसा चिंटू, लेकिन उस वक्त क्या हुआ जिस वक्त हमारा सुपर ओवर जब आया और उसे डर लग रहा था? या बाजी, उमर अकमल को भेजा ना। हाँ। मैंने कहा इसको नहीं भेजना चाहिए था, इमरान नजील को भेज दे। हाँ। लजाक भाई ठीक थे। हाँ। फिर मैंने कहा नहीं, इसको भेजा ना, कप्तान ने कुछ सोच के भेजा। जबरदस्त प्लानिंग थी हफीज की, बड़ा मजा आया। वो ये ऑस्ट्रेलिया वाले सोच रहे होंगे कि वही ओपनर लाएंगे, उसने ओपनर भेजे ही नहीं। हाँ। उसने पता नहीं कहाँ से बंदे उठा के भेज दिया। आप भी पहले से स्ट्रेटजी एक बना लो, उसको फिर किस तरह ब्रेक करना होता है, ये सारी पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। लेकिन भाई माशाल्लाह, मैं तो कहती हूँ एक दफा फिर हम सब मिलकर क्लैप करते हैं अपनी अपनी टीम के लिए, और हम सब बहुत खुश हैं। और हमें आज ये पूरे दिन की खुशी को देना, वो सेलिब्रेट करना है, खुश होना है और सबसे डिस्कस करना है। ठीक है जी, हम है पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। गया था जहाँ चश्मा पहन के नहीं देखते फिल्म। अच्छा, 3D में? हाँ, मैंने चश्मा उठा के पीछे देखा, मुझे लगा मैं आंखों के हॉस्पिटल में आया हूँ। सब लग रहा है जिसकी आंखों में मोती होता है काली, वो ऐसे बैठे हुए, मैं उनको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, फिल्म देख रहे हैं। चिंटू आप कितनी गंदी बात है, मैंने आपसे कहा था कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं मेरे शो पे बैठ के नहीं खाएंगे, आप अभी भी खा रहे हैं। अंकल इजाजत दे, गलत बात है, बहुत गलत बात, मैं बाद में फेंकाऊंगा। ठीक है जी फारूक, हमें आप कौन सी मूवी का बता रहे हैं? खैर बॉलीवुड का मैं बता रहा था कि बॉलीवुड पे इस बार एक ही मूवी रिलीज हुई है लास्ट वीक, जिसने जोकर की बात, क्राइसिस आया है बॉलीवुड की, क्राइसिस नहीं आया, एक अच्छी मूवीज जो कहते हैं ना कि जो एक आपकी प्रेजेंटेबल होती है, जो कि जिसमें अच्छी कास्ट होती है, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर वगैरह का होता है। तो लास्ट वीक तो खैर मैंने बताया था जोकर आई है, जो कि बहुत बुरी तरह पिटी है। अच्छी बात है, सारी मूवीज बड़ी पिटी है। लेकिन एनीवेज राजश्री का मैं राजश्री का हम ट्रेलर देख लेते हैं, फिर जी उसके पर बात भी कर लेंगे। वैसे राज ही पहले भी मूवी आ चुकी है, राजवार आ चुकी है, राज 2 आ चुकी है, राजश्री है। ठीक है, चलिए जी राजश्री का ट्रेलर देखते हैं। एक राज तुम्हारे दिल में है, क्योंकि मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूं। मौत नहीं आएगी उसे, मरना जरूर चाहेगी, ऐसा ही तो होता है काला जादू। Sanjana, where are you? Sanjana, where are you? ये जादू टोना काली विद्या सब बंद करनी पड़ेगी तुमको। अब मुझे कोई नहीं गिरा सकता। संजना की आत्मा को वापस लाना होगा। मैं जाऊंगा वहां, प्यार करता हूं उससे। यू फ्रीकिंग लूजर, यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम संजना। उसे मरना होगा, अब वो जिंदा नहीं रह सकती।
आपने अपने राज 3 का ट्रेलर देखा होगा, स्टोरी क्या है उसे समझ में आ रही है क्या स्टोरी होगी, क्योंकि उनकी वो सीक्वल तो उनका चल ही रहा है राज का। अच्छा ये प्रीक्वल है, राज 1 आई जिसमें बिपाशा और डीनू मोरिया थे, देन राज 2 आई जिसमें आपके इमरान हाशमी थे, कंगना रनौत थे और आपके अंजुम वो सुमन के बेटे हैं जो वो थे। बट एनीवे ये थर्ड स्टोरी आई है, विक्रम भट्ट की डायरेक्शन है और आपके प्रोड्यूसर जो है वो आपके महेश भट्ट और मुकेश भट्ट। स्टोरीज डिफरेंट है? हाँ स्टोरीज डिफरेंट है, स्टोरीज तीनों मतलब ऑब्वियसली तीनों हॉरर जॉनर से रिलेटेड है लेकिन स्टोरीज तीनों की डिफरेंट है। विक्रम भट्ट इसके डायरेक्टर हैं, महेश भट्ट, सारे भट्ट ब्रदर्स की मूवी है ये, जितने भी भट्ट हैं तो वो सारे इसमें स्टोरी है। इसमें जो स्टार कास्ट है वो आपने देखी है, इमरान हाशमी है इसमें, इसमें बिपाशा बासु हैं, इसमें ईशा गुप्ता हैं। ईशा गुप्ता और इमरान हाशमी की स्टोरी जो थी वो जन्नत 2 में भी थी, और जन्नत 2 में आपने देखा होगा कि इमरान हाशमी इसमें थे और ईशा गुप्ता जो थे। तो कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं जफर बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से? जी जी। क्या हाल है जफर साहब आपके? ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद का, जल्दी से नारा लगाइए। आज का बहुत अच्छा मैच जीता है पाकिस्तान। हाँ जी हाँ जी, अभी 2020 के शुरू हो रहे हैं, कल परसों तक रात को लगेगा मैच। हाँ जी। लेकिन आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगाइए पहले। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। कल का मैच कितने बजे तक देखा ये बताइए, वहाँ पे क्या टाइम हो रहा था? उधर अभी इधर हो रहे हैं 7:15 हो रहे हैं अभी। अभी 7:15 हो रहे हैं वहाँ पे? नहीं कल रात में क्या टाइम हो रहा था? रात का 7-8 बजे का टाइम है उधर। अच्छा जी चले सही। अच्छा क्या कहेंगे और क्या कहना चाहेंगे बताइए, आप याद करते हैं पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में बैठ के? नहीं, I think आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। जी फारूक, तो खैर लास्ट रीस में मैंने बताया कि इमरान हाशमी, पूरी स्टार कास्ट मैंने आपको पूरी बता चुका हूँ, ईशा गुप्ता ये सब होते हैं। स्टोरी में थोड़ा सा बता दे जाऊँ कि आपने देखा होगा कि जो इमरान हाशमी है वो एक डायरेक्टर होते हैं और जो ये बिपाशा बासु हैं और ईशा गुप्ता होती हैं, दोनों एक्ट्रेस होती हैं। अच्छा। बिपाशा बासु जो होती हैं ऑब्वियसली अपनी टॉप ऑफ द लाइन जो कहना चाहिए बड़ी बेस्ट एक्ट्रेस जा रही होती हैं, हर चीज़ होता है। ईशा गुप्ता आती हैं और ऐसे ऐसे क्या होता है कि हर जो काम वाम होता है उसमें मिल जा उनको उनको मिलने लगता है, फिर जो डायरेक्टर इमरान हाशमी है उनको भी वो पसंद आ जाती है। क्या कर रहे हैं आप ये? चश्मा साफ कर लो। क्यों? पता नहीं, वो लग रहा साफ नजर नहीं आ रहा मुझे कुछ। चश्मा उतरता क्यों नहीं है आपका? मेला मैं नहीं उतारता ये। क्यों? मैं को लोग पहचान लेंगे। तो आपको पहचान लेंगे तो क्या हुआ, अच्छी बात है ना? इस तरह कोई नहीं पहचानता। अभी तो आप बड़ा काम कर रहे हैं चिंटू। हाँ हाँ बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत काम, मैं गल के बोले काम कर रहा हूँ। नहीं आप ड्रामा में बढ़ा रहे हैं मैंने सुना है चिंटू, आप तो खामोशी खामोशी से निकल गए। जी अब जी बस आपकी नजरे कलम है, जब से आपने यहाँ बिठाया लोग बुलाना शुरू कर दिया। बात है जी जबरदस्त चिंटू, अच्छी बात है ना, तो काम करना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, काम 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 करना चाहिए, टाइम से पैसे भी देने चाहिए उन लोगों को जिनका काम करते हैं। सही बात है। अच्छा जी फारूक, तो खैर ये इसमें होता है की लेकिन ये होता है की बिपाशा बासु अब जाहिर सी बात है जेलसी एक एनवी उनके एक फीलिंग आ जाती है यार ये क्यों आगे निकल रही है, तो वो साथ लेती हैं ब्लैक मैजिक का, लाइक काला जादू जो हमारे यहाँ अभी बीच में बहुत ज्यादा चल रहा था, लाइक बड़े हॉट डिबेट चल रही थी उसके ऊपर। तो खैर इसी में भी दिखाया कि वो काला जादू का साथ लेती हैं और फिर किस तरह वो ईशा गुप्ता के पीछे बढ़ जाती हैं, लेकिन इमरान हाशमी एक्ट वो हीरो हैं तो वो बचाएंगे जरूर उसको। लेकिन अच्छी काफी अच्छी स्टोरी लग रही है। तो मेरे ख्याल से लोगों के अंदर इतनी हमारे यहाँ भी अवेयरनेस तो बहुत आ गई है, थैंक्स टू हमारे मीडिया, इतने शोज आए हैं बिल्कुल कि जिसके ऊपर बताया गया है कि जी ब्लैक मैजिक और ये सब चीजें कुछ नहीं होती हैं, अगर आप होती नहीं होती है बिल्कुल होती है, लेकिन हमें अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखना चाहिए, हमें इस चक्करबाजी में नहीं पड़ना चाहिए प्लीज, और हमें निकल जाना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब लोगों को यकीन होगा इन सब। अब उनकी शायद एग्जिस्ट भी करती हैं, हम क्या करते हैं, एग्जिस्ट करती हैं इन शो का बड़ा डिफरेंट एक वो रहा है कुछ लोगों का बिल्कुल, आप कह लेंगे दुनिया में बालिश आती है वो इंजॉय करते हैं, हमारे मुल्क में आती है यही आवाज आती है चाल पाई अंदर कर लो, चाल पाई पायल कर लो, पायल करे बारिश होती है अंदर करे लाइट नहीं होती, हम इसी में लगे हुए हैं। लेकिन बस मसला ये है पाकिस्तान में जहर बना दिया, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है ना, लेकिन हमने इन प्रॉब्लम्स में से जब हम निकलेंगे तो इंशाल्लाह फिर बहुत आगे निकल जाएंगे ना। बस हमें अभी इस वक्त हमें सबको एक होके इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है? क्या कहेंगे चिंटू, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं मैं ये देख लूँ क्या लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो फारूक हमारा फिर कंप्लीट हो गया है। हाँ बस लेकिन ये कि मैं म्यूजिक मैंने सुना फारूक अंकल आप पेपर में भूल के यही लिख के आ गए थे राज 3 राज 4 राज 5। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अच्छा तो नहीं लिख के बिल्कुल नहीं हुआ था, बिल्कुल
मैंने सुना है आप मैथ के पेपर में बेबाछा बाछू लिख के आ गए, उसने भी पास कर दिया, वो भी आगे वही था। चलिए ठीक है जी, हमें ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल नहीं, पहले मैं इसका म्यूजिक डायरेक्टर का जरूर, क्योंकि ये है कि म्यूजिक थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रहेगी क्योंकि जीत गंगोली इसके डायरेक्टर है। आप राजू की बात करें तो इसमें तोशी थे और फिर प्रीतम का म्यूजिक आपको पता है बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जाहिर लोगों को थोड़ा बहुत इस बार डिसअपॉइंटमेंट है ना। ये हमारा आज का पूरा वो था, अच्छी मूवी रिव्यूज हैं, बड़ी जबरदस्त जबरदस्त मूवीज आई हैं, स्पेशली हॉलीवुड से तो बहुत ही अच्छी मूवीज हैं। मैं दी वर्ड देखूंगी आपके लिए, तो रोमांटिक मूवी आपको मिल गई, तो आपका वीकेंड बन गया। नहीं, मुझे कॉमेडी मूवीज का ज्यादा इंटरेस्ट है, वो मजा आता है कॉमेडी मूवीज से। देखा जी, आपको जो दिल चाहे आपको ऑप्शन दे दिए गए, आपको जो दिल चाहे बॉडी जाके मूवी देखें, लेकिन बस बात सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है वीकेंड अच्छा, वीकेंड अच्छा गुजारे, फैमिली के साथ गुजारे, अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारे, उनके लिए टाइम दें, उनको उनको वक्त दें। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर बच्चों से जो वादा करते हैं उसको पूरा कर लिया करें। समटाइम्स मैं भी बच्चों का वादा जो है ना, वो मेरी बेटी मुझे कल से कह रही है, मम्मा आपको अपना प्रॉमिस याद है, आपको अपना प्रॉमिस याद है। जी बेटा याद है। अच्छा, थैंक यू सो मच फारूक, आप ही प्लान से वीकेंड के? अभी तक तो ऐसे कोई प्लान नहीं है, लेकिन पता है कि हमारे हम लोग भी घर पहुंच रहे हैं, हम तो रैंडम प्लान बनते हैं तो फॉरन होता है। चले ठीक है जी, अभी जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखर वाइब के साथ में। बस आज हमने सिर्फ सेलिब्रेट करना है अपनी जीत को, और सिर्फ अपनी जीत के ऊपर बात करनी है, हमारे साथ ही रहिएगा। जी वेलकम बैक, दफा फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। खूब जीत की सुबह है जी, और पूरा दिन इस जीत को सेलिब्रेट करना है, बल्कि पूरे वीक इस जीत को सेलिब्रेट करेंगे, जब तक 2020 कप स्टार्ट नहीं हो जाता तो हम इसी पे खुश रहेंगे कि जी हमने सीरीज जीत ली। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि मैच तो होते रहते हैं, कल का जो मैच है ना उसकी क्लास ही अलग थी, सबसे मजेदार मैच जो था ना वो कल का था। वेलकम करती हूँ रानी अपा ने हमें ज्वाइन किया, तो रानी अपा को भी वेलकम करती हूँ। क्या हाल है रानी अपा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही कह रही हूँ, बहुत अच्छा है, जीत की खुशी का कुछ नशा ही और होता है। और जिस तरह पाकिस्तान जीता, ये सीरीज जीत गया बहुत दिनों की बदनामी के बाद से जीता माशाल्लाह, लेकिन ऐसा लग रहा था बस हमने ठान लिया और हमने जीत के छोड़ना है। और अगर हर मैच में ऐसा कर लें तो पाकिस्तान हर मैदान में आगे निकल, बिल्कुल अगर हम कोई परिवार है ना, जज्बाती कौम है ना हमारी, ठान लेती है तो फिर करके छोड़ करके दिखाती है। बिल्कुल, और बहुत खुशी की बात है, और बहुत दिनों के बाद ये खुशी देखने को मिली, बहुत दिनों के बाद। आपने हर चीज के लिए ये बनाई हुई है चीजें, मिश्बा को तेज करने के लिए भी कोई हलबल बनाया, चुप करता रहता है। लेकिन आज हमने कुछ क्रिटिसाइज नहीं करना, आज हमने सिर्फ तारीफ करनी है अपने प्लेयर्स की, ठीक है? बस आज हमने सिर्फ अपने प्लेयर्स की बात, शाहिब की बात करनी है, क्योंकि हमने कल मेहनत करके जीता है भाई। नया लड़का जो आया ना वो रजा हसन, वो भी बड़ा अच्छा, उसका भी फैसल कर दे, वो भी लग रहा है वेस्ट इंडीज से आ गया, ठीक है? अच्छा, सही बात है ना, फील्ड में रहने के बाद बहुत ज्यादा कलर भी कम हो जाते हैं, और उन्हीं सब के लिए हमने जो अपनी क्रीम्स बनाई है वो इसीलिए कि रात को तो सभी रेस्ट करते हैं, और रात में प्लेयर्स भी और एक्टर्स हैं, जितने फील्ड वर्कर हैं सभी सारे तमाम खवातीन हजरात फील्ड वर्कर हैं, और हर एक अपनी फील्ड में काम कर ही रहा है। स्किन का तो हर एक को अपना ख्याल रखना चाहिए ना, हर एक को अपना ख्याल रखना, इसके लिए कोई खास एक फर्द मखसूस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रानी पर मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा है, खुशी की बात है कि जी बारिश का मौसम भी हुआ है, तो हम बड़ी खूबसूरत फुहार पड़ रही है, बस अल्लाह करे कि खूबसूरत फुहार जो है फुहार की सूरत में रहे, क्योंकि जब तेज बारिश होती है तो फिर बहुत सारी चीजें मिसमैनेजमेंट है। हमारी तो बारिश की पहली बूंद पड़ती है और हमारी लाइट बंद हो जाती है, बिल्कुल ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन खैर जी, अच्छी अच्छी बातें करनी है, और बस इस मौसम को भी एंजॉय करना है, साथ साथ जीत को भी एंजॉय करना है, और फिर वीकेंड है तो वीकेंड को भी एंजॉय करना है। तो आज तो तीन तीन ट्रिपल ट्रिपल खुशियां हम लोगों को मिली हुई है, बस खुश रहें और खुश दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रखें रहें, और मैं भी आप लोगों को खुश रखूंगी ना, क्योंकि रानी अपा हमारे साथ हैं। तो रानी अपा किस पे पहले बात करनी है हमने, कौन से ट्रीटमेंट के ऊपर? आज मैं सोच रहा हूं हम इससे अपनी आपकी जेल, सबसे पहले कि जब इंसान का मन अंदर से फिट है तो तन खुद ब खुद फिट हो जाएगा, और उसके लिए ये है कि रॉयल जेली जो हम बार बार दिखाते हैं, रॉयल जेली का एक पैक इंसान को बेहद ताकत देता है, ये शहद का एक्सट्रैक्ट है, और सबसे बड़ी इसकी खूबी यह है कि इसको घर का हर फर्द, बच्चा बूढ़ा जवान इस्तेमाल कर सकता है। अब हमारे यहाँ ग़िज़ाएँ ना खालिस हैं, सबसे बड़ी बात यह कि गुर्बत की वजह से लोग अपनी ग़िज़ाओं का वो हुसूल हासिल नहीं कर पाते जिसकी ज़रूरत है, सिर्फ रोटी और ऐसी चीज़ है जो उनको उनके लिए पेट भरने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन उसके साथ ही हमारी बेशुमार अल्लाह पाक ने जो नेमतें पैदा की हैं वो हमारे जिस्म जान की ज़रूरत हैं, और उसी इन तमाम नेमतों में हर किस्म के विटामिन हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जितनी भी चीज़ें हैं, फाइबर हैं, ये हमें ग़िज़ा से ही हासिल होते हैं, और जब ग़िज़ा से हमें ये तमाम चीज़ें हासिल हो जाती हैं तो हम बिल्कुल फिट रहते हैं। लेकिन बहरहाल अगर